चिकन बोटी कबाब। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बोटी कबाब, तो आइए देखते हैं इसका कंपोनेंट्स। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पे कसूरी मेथी लीव्स। फिर यहाँ मैंने लिया है 300 ग्राम्स चिकन, ये बोनलेस चिकन है। फिर यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लाइम जूस, 2 टीस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, 2 टेबल स्पून योगर्ट दही। फिर यहाँ मैंने लिया है ऑयल, सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रोस्टेड पीनट पाउडर। यहाँ मैंने लिया है स्क्वर, इसको मैं पानी में सोख करके रखी हूँ कि ये जले नहीं। चिकन को आइए हम मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे सारे स्पाइसेस को हम डाल लेते हैं, कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, क्यूमिन सीड पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, कसूरी मेथी लीव्स, ब्लैक सॉल्ट, टर्मरिक, इस सबको हम डाल लेते हैं बोल में। फिर इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं योगर्ट, गार्लिक जिंजर पेस्ट, लाइम जूस, पीनट 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट, 3 टीस्पून ऑयल, 5 मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। फिर इसको मैंने मिक्स कर दिया है। फिर चिकन को इसमें हम डाल देते हैं मैरिनेट करने के लिए। इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट करना है, इस सबके ऊपर सारे स्पाइसेस का कोटिंग हो जाए। फिर इसको हम रख देते हैं 1 घंटे के लिए कवर करके। 1 घंटा हो चुका है, फिर पानी से इसको निकाला। फिर इसके अंदर हम 1-1 पीस लेके यहाँ पे मैं जो बना रही हूँ चिकन बोटी कबाब वो विदाउट ओवन में बना रही हूँ, ओवन यहाँ पे यूज मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, फ्राई पैन, इसको मैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर किया है कि थोड़ा सा ये हीट हो जाए। फिर इसमें हम ऑयल ऐड कर रहे हैं 4 टीस्पून, ऑयल हीट भी हो गया है जो मैं यहाँ पे 4 टीस्पून ऑयल डाली थी। फिर इसमें हम बोटी कबाब को डाल रहे हैं। एक तरफ से हो चुका है, इसको हम पलट देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, ये दूसरे तरफ से भी होने लगा है। फिर इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर रहे हैं मीडियम फ्लेम पे। 4 मिनट्स हो चुके हैं, कवर को हम हटा रहे हैं। रेडी हो चुका है बोटी कबाब। फ्रेंड्स रेडी हो चुका है चिकन बोटी कबाब, तो आइए इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा हुआ है। कितना अच्छा आया है, लग रहा है एकदम रेस्टोरेंट से बना हुआ आया। देखते हैं इसको टेस्ट करके कैसा होता है। सो डिलीशियस, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हुआ है, बहुत यमी हुआ है।
आप लोग भी ट्राई करिए घर पे। प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।